कुक विद पारुल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट रेसिपी की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल और आपका कुक विद पारुल में बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ क्विक सावर कुकर में। आप कितनी आसानी से, जब भी आपको जल्दी हो, आप बहुत ही फटाफट और जल्दी से कुकर में एक ही बार में सांवर बना सकते हैं। अक्सर बच्चे या घर में कभी हमें मन होता है सांवर का, हम कई बार ही नहीं बनाते ये सोच के कि बहुत लंबा प्रोसीजर है, टाइम ज्यादा लग जाएगा, या बच्चों को भी मना कर देते हैं कि अभी नहीं कभी और बनाएंगे। तो अब आपको ये करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी पर्सनल रेसिपी है क्विक सांवर या इंस्टेंट सांवर बनाने का। ये बहुत ही आसान तरीका है, एक ही बार में आप कुकर में बहुत ही जल्दी और फटाफट इंस्टेंटली सांवर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्विक सांवर बनाने की ये रेसिपी। क्विक सांवर बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर कुकर चढ़ाएंगे, कुकर को थोड़ा गर्म करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 3 टेबल स्पून ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं, लगभग 3 टेबल स्पून। ऑयल को गर्म करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं आपको कुछ चीजें दिखा देती हूँ जो हमें अब ऑयल में डालनी है। ऑयल गर्म होने के बाद हमें डालनी होगी 1 चम्मच राई यानी मस्टर्ड सीड, 1 चम्मच चना दाल, 1 चम्मच सफेद उड़द दाल, लगभग 1/4 टेबल स्पून हींग, 1/4 चम्मच मैंने हींग ली है, 1/4 चम्मच मेथी दाना। इन सभी चीजों को हम ऑयल में डालेंगे। सभी चीजों को ऑयल में डाल देंगे, गैस को लो कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा करी पत्ता, आप ड्राई करी पत्ता भी ले सकते हैं या फिर आप फ्रेश करी पत्ता भी ले सकते हैं। लगभग मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, 15 के करीब पत्तियां हैं, और 2 मैंने ली हैं सूखी लाल मिर्च, इस तरीके से आप देख सकते हैं। सभी चीजों को इसमें डाल देंगे। मैंने यहाँ पर हींग का इस्तेमाल किया है, हींग सांवर में बहुत ही बढ़िया टेस्ट देती है। अब इन चीजों को हल्का गोल्डन भूनेंगे, फ्लेम को लो रखिए। राई चटकना शुरू हो गई है। मैंने 2 प्याज मीडियम साइज की ली थी, उनको बिल्कुल बारीक कट कर दिया है, तो मैं 2 प्याज इसमें डाल रही हूँ। हम सभी चीजों को अच्छी तरीके से भूनेंगे। प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये सुनहरी नहीं हो जाती। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे। जब भी हम कोई सब्जी बनाते हैं और हमें प्याज भूननी होती है, तो हमें हमेशा सब्जी अच्छी बनाने के लिए प्याज को पहले भूनना चाहिए, अदरक लहसुन पेस्ट को हमें बाद में। अगर आप अदरक लहसुन पेस्ट भी प्याज के साथ ही भूनने में डाल देंगे तो अदरक लहसुन का पेस्ट जल्दी भुन जाएगा और प्याज को भुनने में समय लगता है, तो अदरक लहसुन पेस्ट पूरा जल जाएगा, उससे सब्जी में कड़वाहट आ जाएगी। तो पहले आप प्याज भूनिए, बाद में अदरक लहसुन का पेस्ट को हमें डालकर भूनना होता है। प्याज भुन रही है, यहाँ इस प्रोसेस को थोड़ा तेज करने के लिए कि प्याज थोड़ा जल्दी भुन जाए, थोड़ा सा चुटकी भर नमक हम अभी डालेंगे। सारा नमक अभी नहीं डालना है, सिर्फ चुटकी भर नमक डालना है, इससे प्याज जल्दी भुन जाती है। आप देख सकते हैं कि प्याज अच्छी तरीके से भुन गई है और अब हल्की सुनहरी भी हो चुकी है। इस स्टेज पर अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 से 5 कली लहसुन की, मैंने बारीक कट कर लिया है, मैं इसमें ये भी डाल देती हूँ। बहुत अच्छी लगती है सांवर लहसुन की कली डालने से, अगर आप नहीं लाइक करते तो आप स्किप कर दें। 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, इसको भी अच्छी तरीके से भूनेंगे। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटे हुए, मैंने 2 टमाटर लिए थे बड़े साइज के, दोनों टमाटर को मैंने बारीक कर लिया था। टमाटर भी अच्छी तरीके से भुन रहे हैं, अब इसमें से ऑयल भी अलग होने लगा है। ये मेरा स्टील का कुकर है, मेरा बहुत ही फेवरेट है, प्रेस्टीज का हांडी कुकर है। बहुत आसान होता है इस कुकर में, क्योंकि इसमें अंदर स्पेस बहुत होती है, तो सब्जियों को भूनना तो आसानी से, ज़्यादा स्पेस की वजह से आप सब्जियों को अच्छी तरीके से भून सकते हैं, और ये स्टील का होने के कारण हमारे लिए हानिकारक भी नहीं है। तो मेरे पास ये लगभग 4-5 साल से है, बहुत ही बढ़िया कुकर है प्रेस्टीज का। आप चाहें तो आप भी परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब इस स्टेज पर मैं डालूंगी सारी सब्जियाँ। यहाँ मैंने ली है 1 गाजर,
एक मूली, दोनों को ही मैंने देख सकते हैं बारीक कट कर लिया है, तो मैं ये भी यहीं डाल देती हूँ जिससे कि ये भी अच्छी तरीके से भुन जाए टमाटर के साथ। ये मैंने ली है आधी लौकी, बिल्कुल बारीक कटी हुई लौकी भी मैं इसी में डाल रही हूँ। सब्जियाँ आप अपने मन की कोई भी डाल सकते हैं, सावर के अंदर ये सबसे अच्छी बात है, आप अपने मन की कोई भी सब्जी इसमें डाल सकते हैं और इस बहाने बच्चों को भी सब्जियां खाने को मिल जाती हैं। सावर में सबसे अच्छी बात ये है आप जो भी सब्जी डालें बहुत टेस्टी लगती है। एक छोटा बैंगन भी मैंने बारीक कट कर लिया है। अच्छी तरीके से सारी सब्जियों को मैं मिक्स करूंगी, सभी को अच्छी तरीके से भूनेंगे। लगभग 1 से 2 मिनट मैंने भुना है सारी सब्जियों को टमाटर के साथ। अब इस स्टेज पर हम डालेंगे सारे मसाले। हल्दी 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला। मैं 2 टेबल स्पून भर करके सावर मसाला डालना होगा इस स्टेज पर। सावर मसाले की रेसिपी मैं अपने चैनल कुक विद पारुल पर शेयर कर चुकी हूँ। ऑथेंटिक साउथ इंडियन सावर मसाला मैंने उसमें बनाया था, बहुत टेस्टी होता है। एक बार बनाएंगे 1 साल तक चलाइए, बिल्कुल साफ सुथरा बिना मिलावट का घर में ही बनाइए और आपकी सावर बिल्कुल होटल जैसी बनेगी इस सावर मसाले से। तो ये हमें यहाँ डालना होगा 2 चम्मच। सभी मसालों को अच्छी तरीके से लो फ्लेम पर मिक्स करेंगे। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, थोड़ी देर भूनेंगे। 2 से 3 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें सभी चीजों को भूनना होगा। सभी चीज अच्छी तरीके से भुन गई हैं, तो अब इस स्टेज पर हम डालेंगे अरहर दाल यानी तूर दाल। इसको मैंने 10 मिनट के लिए भिगो दिया था पानी में, उसके बाद मैंने पानी निकाल करके इस तरीके से ये फूल गई है। और ये मैंने ली थी लगभग 200 ग्राम, तो 200 ग्राम अरहर की दाल तूर दाल को मैं अब इसमें डाल देती हूँ। मिक्स करेंगे। अब इस स्टेज पर हम डालेंगे इसमें पानी। पानी हमें थोड़ा ज्यादा डालना होगा क्योंकि सांभर थोड़ा पतली होती है। 1/2 लीटर पानी मैंने इसमें डाल दिया है, अभी हमें पानी और डालना होगा। लगभग 1 लीटर पानी पूरा डल गया है इसमें और इसकी कंसिस्टेंसी अभी बिल्कुल ठीक है। तो अब इसमें हमें लेनी होंगी लगभग 5 से 6 विसिल यानी सीटी, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये ज़्यादा गाढ़ी तो नहीं हुई है या ज़्यादा पतली, तो जहाँ तक है बिल्कुल परफेक्ट बननी चाहिए। अब इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच इमली का पेस्ट। आप चाहें तो सूखी इमली को गर्म पानी में डाल लें और उसके बाद उसको अच्छी तरीके से मसल कर उसका पानी छान लें, वो पानी भी आप इसमें डाल सकते हैं, यानी कि इमली का पानी। ये रेडीमेड इमली का पेस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं खट्टा देने के लिए इसको। ये है गुड़, 1 चम्मच मैंने गुड़ लिया है, या आप इसे जैगरी भी बोल सकते हैं, गुड़ ऑप्शनल है। आप अगर चाहते हैं हल्का मीठापन तो आप गुड़ डालें, अगर आपको मीठी सावर नहीं चाहिए तो आप गुड़ स्किप कर दें, क्योंकि साउथ में थोड़ी मीठी चलती है सावर, इसीलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसी तरीके से इमली भी ऑप्शनल है, अगर आपको खट्टी नहीं चाहिए सावर तो आप इमली ना डालें। तो सावर बिल्कुल तैयार है, इस पे हम लगा देते हैं अब लिड, और लगभग इसमें 5 से 6 हम इसमें सीटी आने देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। फ्लेम को मैंने लो से थोड़ा सा हाई रखा है, लगभग मीडियम और लो के बीच में।
इससे पहले मैं आपके साथ ऑथेंटिक साउथ की सावर शेयर कर चुकी हूँ रेसिपी। आप मेरे चैनल कुक विद पारुल पर जाकर के ऑथेंटिक साउथ इंडियन स्टाइल सावर की रेसिपी देख सकते हैं। क्विक सावर बनकर के बिल्कुल तैयार है, बहुत ही जल्दी बनने वाली और एक ही बार में कुकर में, कोई हमें ज्यादा इसमें मेहनत करनी नहीं पड़ती है। और चलिए, बहुत बढ़िया बनी है, बहुत ही टेस्टी, एकदम साउथ इंडियन स्टाइल। तो मैं इसको एक प्लेट में सर्व करती हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की मेरी ये क्विक सावर की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल।